नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8% बढ़ेगा कर्मचारियों का डीए। जी हां साथियों, यह मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं शिवराज सरकार की कर्मचारियों को सौगात। अभी हाल ही में 4% डीए मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को बढ़ाया गया है। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं अगले वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों का बढ़ेगा 8% महंगाई भत्ता। यदि हम पूरी खबर को विस्तार पूर्वक देखें तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में अधिकारियों कर्मचारियों का 8% महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अभी 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 46% के हिसाब से विभागों को राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए स्थापना व्यय में 3% अतिरिक्त राशि को स्थापना व्यय मद में मिलेगी। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से वेतन भत्ते में व्यय होने वाली राशि का आकलन करके स्थापना व्यय प्रस्तावित करने के लिए कहा है। महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 46% किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें केंद्र के कर्मचारियों के समान 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। और जो महंगाई भत्ता का रेशियो है उसको देखते हुए अर्थशास्त्रियों का जो अनुमानित महंगाई भत्ता है वह वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 8% बढ़ने वाला है। तो ये जो लाभ है वह मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला है और जल्द ही बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।